प्यारे दोस्तों, आज हम आपको यह सिखाएंगे कि कैसे आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर सकते हो। लेटेस्ट है 2013 में, व्हेन ए न्यू पार्टनर वेलकम। देखिए, जब एक नया विद्यार्थी आएगा तो एक नया पार्टनर आएगा तो आपको उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। एज पर न्यू रूल्स ICAI, इसका जो स्टैंडर्ड है 10, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यदि जो गुडविल है न्यू पार्टनर इन कैश में या कैश के मूल्य में नहीं ले गया था तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। तो इस हिसाब से जो ट्रीटमेंट है 200 में बढ़ गया है। यदि गुडविल अकाउंट शो होता है, गुडविल अकाउंट विल नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन गुडविल अकाउंट विल शो व्हेन गुडविल अकाउंट विल शो जब गुडविल अकाउंट नहीं शो होता। उसमें पांच छह तरीके हैं जिससे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, बहुत सिंपल सा है कि न्यू पार्टनर कोई ओल्ड पार्टनर ने हिस्सा दिया, उसके बदले में चुपचाप ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर को गुडविल दे दी, तो इसका नो ट्रीटमेंट, नो एंट्री एंट्री कोई भी एंट्री पास नहीं होगी इस लेटेस्ट नियम के अनुसार। दूसरा, व्हेन गुडविल विल बी पेड इन कैश, कैश में पेड होगी तो क्या होगा कि जो कैश में पेड है फर्स्ट एंट्री हम कर देंगे इसकी कि बिजनेस में कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट है ना, पार्टनरशिप कैश आ गया, डेबिट हो गया। हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट क्रेडिट इस गुडविल का अब नाम हो गया प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। तो ये कई एंट्री होगी। और दूसरी एंट्री होगी कि जो गुडविल अकाउंट है या प्रीमियम अकाउंट आपको डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा इन सेक्रीफाइस रेशो में। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो में ये क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हम आगे करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस में ही रही है, अब हम आगे रखते हैं एक ऐसे प्रूफ में इसको शो करेंगे। अब हम तीसरा ट्रीटमेंट करते हैं इसी का। जब न्यू पार्टनर जो गुडविल है कैश में नहीं लेके आता बल्कि अपनी कैपिटल के रूप में लेके आता है, तो हम यहां लिख देते हैं कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर है वो कैपिटल रूप में दे रहा है गुडविल, उसका गुडविल का कितना हिस्सा है, गुडविल शेयर। इनका अकाउंट हमने
डेबिट करना है और इसका अकाउंट हमने क्रेडिट करना है इन सैक्रिफाइस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। और चौथा ट्रीटमेंट है जब गुडविल इन काइंड लेके आते हैं, वेन गुडविल विल कम इन काइंड। इन काइंड में मतलब यह है कि लैंड बिल्डिंग फर्नीचर्स के रूप में गुडविल आती है। तो हमने क्या कहना है कि मान लो कि जितने भी एसेट्स हैं ये अकाउंट डेबिट कर दिया, और जितने भी कैपिटल है न्यू पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है ये हमने क्रेडिट कर दिया, तो इस एसेट्स का और इस लायबिलिटी का, इस कैपिटल का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस होगा गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, ये हमने क्रेडिट कर दिया। ये सी का ही मतलब ये न्यू पार्टनर का हिस्सा है। और बाद में दूसरी एंट्री में हमने इस गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है, अकाउंट डेबिट होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने उसको शेयर दिया न्यू पार्टनर को, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन अकाउंट क्रेडिट होगा इन सैक्रिफाइस रेशो में। अब हम पांचवा करते हैं इसी का ट्रीटमेंट। Then goodwill account exists in the books of accounts। जब books of accounts में आपकी balance sheet show कर रही है goodwill account as asset, तो उस समय उसको return off करना हमने। तो हमने क्या कहना है उसको return off कर देना है। कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ये इन ओल्ड रेशो में हम बांटेंगे, इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी, बाकी जितने भी ट्रीटमेंट है जो गुडविल लेके आया, जैसे एक दो तीन चार में था वैसे ही हम ट्रीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।